वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडे इज टॉपिक हु वांट टू टॉक टू यू। कौन आपसे राइट नाउ बात करना चाह रहा है, कौन है जो आपके साथ कम्युनिकेशन या बातचीत या किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, डैमेज फीलिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती होती रखें, फोर्सफुली कुछ रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और सारी डैमेज फीलिंग होती है। पिका कार्ड, अगर आप लोग को पिका कार्ड रीडिंग्स मेरी देखनी है तो आप दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स। वहाँ पे पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड है और यहाँ पे डिटेल रीडिंग्स होती हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। हु वांट टू टॉक टू यू, कौन आपसे बात करना चाह रहा है। हु वांट टू टॉक टू यू, हु वांट टू टॉक टू यू, कौन आपसे बात करना चाह रहा है राइट नाउ। जजमेंट, ओके, ये इंसान एक अवेकनिंग से गुजर रहा है, आपको लेकर किसी तरीके की रियलाइजेशन, किसी तरीके का जैसे कि अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपको लेकर बहुत सी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, जो पहले ये समझ नहीं पा रहा था। आपसे बात ये इसीलिए करना चाहता है, एक अवेकनिंग है। ठीक है, एक जैसे कि चीज़ों को लेकर अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आप लोग के बीच चल रहा था, वो क्यों हो रहा था, उसके पीछे रीज़न क्या था, आप लोग के बीच स्ट्रकनेस क्यों आई, यहाँ पर चीज़ें किस तरीके से चल रही थी। इंसान एक अवेकनिंग स्टेज से गुजर रहा है और काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन है, वर्कहॉलिक पर्सन है। इस पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, फैमिली की हो सकती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ठीक है, स्ट्रेस में मुझे नज़र आ रहा है राइट नाउ। ये जो भी इंसान आपसे बात करना चाह रहा है, स्ट्रेस है इसके ऊपर, स्ट्रेस है, किसी तरीके का स्ट्रेस है इसके ऊपर। ठीक है, ओके, यहाँ पर लिब्रा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एक अवेकनिंग एनर्जी है। ओके, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, इमोशनल या आपको लेकर आपके इमोशनल ऑफर को सोच रहा है। जो भी पर्सन आपको आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, इस इंसान को आपने कोई इमोशनल ऑफर दिया था, अभी नहीं दिया होगा, कभी दिया होगा, उस इमोशनल ऑफर को लेकर किसी तरीके की रियलाइजेशन आना, जैसे किसकी वैल्यू, उस ऑफर की वैल्यू समझ में आना, ये वो इंसान है। ठीक है, ओके, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग आपने इस पर्सन को ऑफर की थी। ठीक है, कुछ टाइम पहले की थी, लेकिन की थी। ठीक है, कुछ अर्सा पहले की थी, किसी तरीके की आपने यहाँ पर न्यू स्टार्ट इस पर्सन को कहा था, कुछ ऑफर किया था, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग ऑफर की थी। उस चीज़ को लेकर कुछ इस पर्सन को आपको लेकर एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है, समझ आ रही है, एक अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, आप क्या प्रोवाइड कर रहे थे, आप क्या दे रहे थे, उसमें कितनी रियलिटी थी, आप कितने सीरियस थे, आप कितने यहाँ पर इस पर्सन के साथ लॉयल थे। ठीक है, उस चीज़ को लेकर अवेकनिंग होना। हु वॉन्ट टू टॉक टू यू, ओके, ये इंसान काफ़ी उस टाइम ओपन अप नहीं था, रिस्ट्रिक्टेड था, ब्लॉकेजेस था, ब्लॉकेजेस रहे हैं, मेंटल स्ट्रक्चर्स, मेंटल ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा एक थर्ड पार्टी इश्यूज रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रोकन हार्ट, एक तरफ से बहुत ज़्यादा जैसे कि स्टेप नहीं लिए गए हैं, एक्शंस नहीं लिए गए हैं। ये पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है, आपको कंट्रोल करके रखा है, बहुत एक स्टबर्न जिद थी इसके अंदर, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, एक्शन नहीं लेना, एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं आना। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं इसकी तरफ से, आपने बहुत ज़्यादा पेन देखा है इस पर्सन की स्टबर्न एनर्जी की वजह से। ठीक है, आपको लगता रहा है यहाँ पर चॉइसेस हैं इस पर्सन की लाइफ में, इसलिए ये आपको छोड़कर कुछ और चूज करता है, या यहाँ पर थर्ड पार्टी इशूज है, ये पर्सन मल्टीपल चॉइसेस में स्टक है, लेकिन एक स्टबर्न नेचर की वजह से आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ब्रोकन हार्ट पेन आपको जो फेस करने को मिला है, इसके स्टबर्न नेचर, बहुत ज़्यादा स्टबर्न है ये इंसान। ठीक है, ये स्टकनेस रही है, ये इंसान किसी मेंटल केज में था। ठीक है, मेंटल केज में रहा है। ओके, देयर आर फीलिंग्स फॉर यू। ओके, ये आपको काफ़ी स्टेबल, ग्राउंडेड, मैच्योर और सेंसिबल पर्सन की तरह राइट नाउ देख रहा है। ठीक है, मतलब कि सिचुएशन से जाने के बाद इसने आपकी तरफ एक तो मूवमेंट नहीं करी, एक्शन नहीं लिए, जब आप इसको कुछ अनकंडीशनल ऑफर कर रहे थे, आपने कोई रिस्क टेकिंग की थी इसकी, इसको कुछ आपने ऑफर किया था, आपने साथ कुछ आपने चाहा था कि आप दोनों के बीच कुछ ठीक हो, लेकिन इस इंसान ने आपको लेट गो किया है, इस इंसान ने आपको छोड़ कर गया है, आपके इमोशंस को छोड़ कर गया है, आप इस सिचुएशन को इसने डिनाई किया है या रिजेक्ट किया है। ठीक है, हाँ, लेकिन आप होल्ड करके रखे हुए थे इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को। ठीक है, आपने बहुत टाइम तक
टाइम तक, एक लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखा है। आप काफी एक स्टेबल, मेच्योर, एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है आप, ठीक है? आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानते हैं, फैमिली की वैल्यू, फैमिली की एक अहमियत जानते हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी है आप लोगों की, ठीक है? इमोशनल एनर्जी है यहाँ पर, आप काफी इमोशनल रहे हैं पास्ट में इस इंसान को लेकर। प्रैक्टिकल आपने ज्यादा सोचा नहीं है, लेकिन आप बहुत टाइम तक वेट करते रहे कि ये इक्वल गिव एंड टेक आएगा, ये इंसान आपको देगा, ठीक है? मतलब कि आपने बहुत एक लॉन्ग टाइम तक वेट करा है कि इन्वेस्ट करेगा, आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, लेकिन करेगा। आपकी एक होप थी, आप होपफुल थे कि इंसान इक्वल बैलेंस करेगा। बहुत टाइम तक वेट करा, इसका फोकस कहीं और था, इसका फोकस आप पे नहीं था, अपने सेल्फ पे था, या अपने काम पे था, या किसी थर्ड पार्टी पे था। लेकिन ऐसा हो सकता है इसकी लाइफ में, जब आप इसका बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा इंतजार किया, आपने उस टाइम इसकी जिंदगी में कोई और इन्फ्लुएंस मुझे नजर आ रहा है जो आपको शायद पता नहीं था, ठीक है? ओके, हु वांट टू टॉक टू यू, कौन आपसे बात करना चाहता है? वर्गो टॉर्स कैप्रिकॉर्न हो सकता है आप, या ये पर्सन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है? ओके, आप लोग के बीच एक इमोशनल लॉस है, जो वो इंसान बात करना चाह रहा है जिसके और आपके बीच एक डिस्टेंस आ चुका है, जिसके साथ आप किसी लॉस, इमोशनली डिस्कनेक्ट हैं, ठीक है? ये वो इंसान है, ठीक है? कोई होपलेस हुआ हुआ है, आप होपलेस हो चुके हैं सिचुएशन को लेकर। ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाह रहा है, आपको काफी स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, बैलेंस देख रहा है। आप हार्ट ब्रोकन एनर्जी में, आप ब्रोकन है, ठीक है? आप यहाँ पर बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है इस इंसान से, आपको होप नहीं है इस इंसान से, ठीक है? बहुत ज्यादा एक होपफुल वाली एनर्जी मुझे नजर नहीं आ रही इस पर्सन से, आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं लगा रहे, आप ब्रोकन हार्ट हैं। इसने आपसे ना अपोलोजाइज करा, ना आपसे फॉरगिवनेस ली, मतलब किसने आपको अंडरस्टैंड करने से बिल्कुल ही डिनाई कर दिया। क्या बात करना चाहता है ये इंसान आपसे, क्या बात करना चाहता है अब ये इंसान आपसे? आप हर्ट हैं, आप पेन में, आप होपलेस हो चुके हैं, लेकिन आप खुद के ऊपर फोकस हैं, आप जानते हैं, आप सब समझते हैं, फिर भी आप बहुत मेच्योर हैं, सेंसिबल हैं, काफी आप किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप या तो काफी एजुकेटेड हैं, या तो आपके अंदर बेहद विजडम है, नॉलेज है आपके अंदर, ठीक है? एक विजडम है, आप विजडम से चलने वाले, विजडम के साथ मूवमेंट करने वाले इंसान है, ठीक है? ओके ओके ओके, क्या बात करना चाह रहा है ये इंसान, और क्या बात करना चाह रहा है? ये आपके प्यार को लेकर अवेकन हो रहा है, आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई इस पर्सन की तरफ से मिल सकता है, ठीक है? कुछ इसने होल्ड किया हुआ है, आपको वो चीज बता सकता है, कुछ इसने छुपाया हुआ है, ये क्यों गया था, शायद आपको उसका रीजन बता सकता है, ये आपकी लाइफ से क्यों गया था, क्या वजह थी, जब ये आपकी जिंदगी से गया था, इसने शायद इसका रीजन होल्ड किया हुआ है, आज तक आपको क्लैरिटी या ट्रुथ पता ही नहीं है, ठीक है? सच्चाई पता ही नहीं है। किसी टॉक्सिसिटी की वजह से गया था ये इंसान, ठीक है? काफी ये टॉक्सिक और नेगेटिव थॉट, मुझे ये किसी एक्स वाई जी तरीके के, जैसे कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट, नेगेटिव कनेक्शन में नजर आ रहा है, ठीक है? दी एम्प्रेस, ओके, आपकी वैल्यू ही कहीं से समझ कर आया है, किसी टॉक्सिक कनेक्शन से, किसी टॉक्सिक पार्टनर से, किसी डार्कनेस से निकल रहा है ये इंसान, ठीक है? इसने आपको वर्क का बहाना किया होगा, काम का, कैरियर का, ठीक है? अभी काम और कैरियर को ध्यान देना है, अभी मैरिज नहीं करनी, अभी स्टेबिलिटी नहीं चाहिए लाइफ में, मैरिज और कमिटमेंट नहीं चाहिए, इस ये आपसे कुछ हाइड कर रहा है बहुत लंबे अरसे से, कुछ ना कुछ यहाँ पर हिडन सीक्रेट्स इस इंसान के, ठीक है? ये एक तो आपके साथ जुड़ना है की बात तो है, ठीक है? आपके साथ कनेक्ट तो हो जाए, लेकिन आपको कैसे सेटिस्फाई करेगा, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से डार्क सीक्रेट्स इसके हो सकते हैं, ठीक है? इसका पास्ट कुछ नेगेटिव हो सकता है, डार्क पास्ट हो सकता है, शेडो साइट हो सकती है, इसकी नेगेटिव साइट हो सकती है। आप इसको बहुत इजीली अवेलेबल रहे, ठीक है? यहाँ पर बहुत इजीली आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, इसको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर मेहनत करने नहीं पड़ी, और जैसे ही आप इसके साथ फ्यूचर सोचने लगे, वहाँ पर इसने आपको डिच किया है, ठीक है? ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच तो करना चाह रहा है, आपकी तरफ मैसेज तो करना चाह रहा है, ये जानता है आपकी वैल्यू और वर्थ, इसलिए आना चाह रहा है, ठीक है? यहाँ पर वेट, देखते हैं यहाँ पर ये टू क्वींस कौन है, ठीक है? फिर जरा क्लारीफाई करना चाह रही हूँ कुछ चीजों को, ओके?
Clarify the Empress. Who wants to talk to you? Clarify the Empress. काफी अट्रैक्टिव स्पार्क, पैशनेट स्पार्क इस इंसान को आपने शो हो रहा है इस वक्त, काफी इसको अट्रैक्शन पैशन शो हो रहा है. क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल कौन है भाई? दी एम्प्रेस भाई, ये आपकी ही एनर्जी है, ठीक है? ये आपको काफी एडमायर कर रहा है यहाँ पर, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, आपको जस्टिस देना चाहता है. इसको पता है इसने आपको जस्टिस नहीं दिया है, आप काफी जैसे कि एक्सपेंशन लाने वाले इंसान है, आपकी तरफ आप अट्रैक्टिव हो रहा है. क्लैरिफाई दी डेविल, पास्ट में ऐसी क्या सिचुएशन थी जो ये आपको छोड़ के गया है? क्लैरिफाई दी डेविल, यहाँ पे एक ही फीमेल नजर आ रही है, ठीक है? ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है? आपकी तरफ स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ बढ़ रहा है. क्लैरिफाई दी डेविल, ये पास्ट एनर्जी है. ओके, काफी प्रैक्टिकल हुआ हुआ था अपनी लाइफ में, फाइनेंसिस पे फोकस था, ठीक है? इसलिए गोस्ट कर रहा था. स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस था, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी. क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, क्लैरिफाई एट ऑफ कप्स, यहाँ पे एट ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? वर्गो टॉर्स कैप्रिकॉर्न हो सकता है. स्टक था, इसने इस सिचुएशन से निकलना ठीक समझा, ठीक है? ये इसके इसको यही रास्ता सही लगा, ठीक है? ओके, क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल. क्लैरिटी मिल चुकी है, इस रिश्ते पे काम करना चाह रहा है, ये आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, इस रिश्ते पे वर्क करना चाह रहा है. क्लैरिफाई इट ऑफ सोर्ड्स, कहाँ स्टक था माइंड? पास्ट में किस तरफ स्टक था, क्या स्टकनेस थी इसके माइंड में? ये आपको जस्टिस नहीं दे पाएगा, आपके साथ इक्वलिटी, आपके साथ बैलेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है? रिस्पॉन्सिबल है, मैंने कहा ना रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजी था, रिस्पॉन्सिबल क्योंकि आप यहाँ पर बहुत सीरियस टाइप पर्सन थे और ये इंसान उस टाइम आपके साथ सिर्फ एक कैजुअल टॉक रखना चाह रहा था और आप सीरियस होते चले गए, ठीक है? यहाँ पे क्लैरिफाई द वर्ल्ड, भाई आप लोग के बीच एक कार्मिक साइकिल रही, इसलिए एक होपलेस एनर्जी, बहुत ज्यादा आपने एक सर्कल में बहुत लॉन्ग टाइम तक सफर किया, ठीक है? आप एक सफर कर रहे थे, एक लॉन्ग साइकिल में सफर करते आए हैं. क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? ओके, बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी की वजह से, या बहुत स्लो एनर्जी, स्लो मूवमेंट की वजह से आप काफी हार्ट ब्रेक आपका हुआ है. आपने जैसे कि पुराना सर्किल आपने खुद एक एक बस एक अकेलेपन से गुजारा है, पुराना सर्किल में आपने बस अकेले सरवाइव किया है, आपको समझने वाला या सपोर्ट करने वाला या अंडरस्टैंड करने वाला कोई भी नहीं था. जो पास्ट टाइम रहा है काफी स्लो रहा है, स्लो प्रोसेस रहा है, ठीक है? बहुत स्लोली गुजरा है, उसने आपको बहुत ज्यादा लर्निंग कराई है, उस चीज ने आपको थका दिया, आपको ब्रोकन हार्ट कर दिया, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, बहुत स्लो 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 ये सर्किल आपकी लाइफ से गया है, ठीक है? काफी मतलब कि ऐसा लग रहा है आपने बहुत लोनली टाइम गुजारा है, बहुत ज्यादा एक 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 अलोन आपकी जर्नी रही है, बहुत स्लो जर्नी रही है जिसने आपको ब्रोकन करा है, बहुत लॉन्ग टाइम तक आप होपलेस रहे हैं, अपने ऊपर काम करने के अलावा आपके ऊपर आपके पास कोई चारा नहीं था, ठीक है? इस सिचुएशन में ये इंसान अब अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है? आपकी तरफ अट्रैक्शन इसका है, इसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान था पास्ट में. क्या होल्ड करके बैठा है? क्लैरिफाई फोर ऑफ पेंटिकल, ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है, इसकी लाइफ में ऑप्शंस तो हैं लेकिन इसको आपके अलावा कोई और चीज सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, ठीक है? आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, कोल्ड है काफी इंसान. क्लैरिफाई फोर ऑफ फैंस, किस तरीके की स्टेबिलिटी है यहाँ पर? क्लैरिफाई फोर ऑफ फैंस, होपफुल है कि आप लोग के बीच यहाँ पर कुछ स्टेबल प्लान हो सकता है, एक न्यू रिस्क टेकिंग की जा सकती है, ठीक है? होपफुल है यहाँ पर, इसको एक होप नजर आ रही है. इसके माइंड में राइट नाउ आपको लेकर क्या है? इस इंसान के माइंड में राइट नाउ मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या चल रहा है? ओके, बड़ी स्टेबिलिटी चल रही है, आपको बहुत स्टेबल देख रहा है राइट नाउ, ग्राउंडेड देख रहा है, आपको कुछ स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर करना चाह रहा है, ठीक है? लेकिन ये चाह रहा है आप लोग के बीच एक इमोशनल लॉस वाली एनर्जी खत्म हो जाए, ठीक है? हाइप्रेसिस की एनर्जी है, ये चाह रहा है आप लोग के बीच जो लॉस आया है वो फुलफिल हो जाए, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन ये नहीं चाहता कि आप पुरानी चीज़ों के साथ आए, पुराने थॉट्स के साथ आए. बहुत डीप डाउन डिस्टर्ब है आप लोग के बीच, एक डिस्टर्ब हो चुकी है, पूरी सिचुएशन डिस्टर्ब हो चुकी है, इसको रिकवर करना काफी डिफिकल्ट है, इसको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है? इसको एक रीस्टार्ट की तरफ लेके जाना काफी डिफिकल्ट हो चुका है अब, ठीक है? इसको मैरिज और कमिटमेंट की तरफ टर्न करना या मैरिज और कमिटमेंट की तरफ ले जाना बहुत मुश्किल रहा है, ठीक है? आप लोग काफी डिफरेंट हो सकते हैं, एज आप लोग का, एज फैक्टर, कास्ट कल्चर फैक्टर हो सकता है, आप लोग काफी डिफरेंट है एक दूसरे से, लेकिन आप दोनों के बीच एक अट्रैक्शन है, एक एडिक्शन है आप लोग को एक दूसरे की, ठीक है? यहाँ पर एक दूसरे से आप लोग की बातचीत हो सकती है. इंसान काफी कोल्ड और ब्लंट हुआ हुआ है,
लेकिन ये आपको चाह रहा है। इस इंसान को पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप इमोशनल डिटैचमेंट पे हैं, ये आपको जाने नहीं देना चाहता अपनी लाइफ से, ठीक है। ये आपके साथ एक बैलेंस करना चाहता है, आपको जानता है यार, इसने आपको बहुत ज्यादा हर्ट और पेन दे दिया है। आप बहुत ज्यादा हर्ट में हैं, आप बहुत ज्यादा तकलीफ में, आपने बहुत सारा स्ट्रेस उठाया है, और अब क्लोज ऑफ हो चुके हैं, आपने गार्ड्स अप कर लिए हैं, आप पुराना वाला स्ट्रेस दोबारा नहीं लेना चाहते, ठीक है। आपके पास क्लैरिटी है आपको क्या चाहिए, इस इंसान को पता है कि आप क्लियर कट आपने माइंड में क्लियर है आपको क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो आप रिकंसाइलेशन चाहते हैं अगर ये इंसान इन्वेस्ट करे तो, अदरवाइज आप सीरियसनेस चाहते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये इंसान ये बात जान चुका है, समझ चुका है, ठीक है। ओके अगर ये आपको इस वक्त कुछ कहना चाहे तो क्या कहेंगे, आपके पार्टनर अगर आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेंगे, ये जो बात करने आ रहे हैं किस तरीके की बातचीत करना चाहते हैं आपसे। यू आर माई लाइफ, ओके। इंसान क्या कहना चाहता है, आई वॉन्ट टू मेक एफर्ट। भाई मैंने कहा ना ये एफर्ट करना चाह रहा है, पहले एफर्ट नहीं कर रहा था, अब एफर्ट होने वाली है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। आई एम एनफ, आपकी अफर्मेशन चल रही है, आप अपने आप को अपने लिए एनफ समझते हैं, आपको जरूरत नहीं है किसी की, ठीक है। बी माइन, इस इंसान को लगता है आप इसके हैं, ठीक है, आप इसी के हैं। ओके आई एम नॉट स्टक, आप यहाँ पर अपने आप को अफर्मेशन वाली एनर्जी है ना, आप अपने आप को कह रहे हैं आई एम नॉट स्टक, ठीक है। प्लीज डोंट हेट मी, इस इंसान को कहीं ना कहीं लगता है आप इसको हेट करते हैं, ठीक है। प्लीज डोंट हेट मी, ये मना कर रहा है, मुझसे नफरत ना करो, ठीक है, प्लीज मुझसे नफरत ना करो। ओके एडवाइस क्या है यहाँ पर, आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। लेट्स सी मेरे व्यूअर को यहाँ पर क्या करना चाहिए। आप काफी सेंसिटिव हो गए हैं, क्लोज ऑफ हो गए हैं, आप पहले की तरह रिस्ट्रिक्टिंग नहीं करते, रशिंग वे में नहीं रहते, हर किसी चीज को आप काफी मैच्योरिटी से देखते हैं, बहुत ज्यादा बैलेंस एनर्जी के साथ देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल सी एनर्जी है आपकी, ठीक है। ओके क्या है, ठीक है, एडवाइस, मैनिफेस्ट फॉर द हाइस्ट गुड, वर्क विथ प्योर लव, ठीक है। ओके इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्मेशन, कैरी द वॉलेट फ्लेम, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, कैरी वॉलेट फ्लेम, ठीक है। यहाँ पर है रिलैक्स एंड ओपन अप टू सोर्सेस, कीप योर हार्ट इज ओपन, ठीक है। अपने अपने हार्ट चक्रों को ओपन करें और रिलैक्स करें और मैनिफेस्ट करें, पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करें। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है और एक फ्लेम आप मतलब कि एक लाइट आपको दी गई है यूनिवर्स की तरफ से, एक लाइट आपको रास्ता दिखाया गया, एक आपका सोल पाथ, एक सोल आपको एक मतलब कि आपका आपको क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट आपको बता दिया गया यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। आपको एक मैनिफेस्ट करना है हैज गुड के लिए, प्योर लव प्योर हार्ट में रहना है आपको, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, रिलैक्स एंड ओपन हार्ट, रिलैक्स करें और अपने हार्ट चक्र को ओपन करें, ठीक है। बहुत ज्यादा रेजिस्ट मत करें, कीप योर हार्ट, ठीक है, ओपन, ठीक है। आप यहाँ पर मैंने कहा ना थोड़ा सा सेंसिटिव हो चुके हैं, आप लोगों की पुराने ब्लाइंडली ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, ओपन अप होना छोड़ दिया है, गार्ड्स अप कर लिए हैं, हर किसी को आसानी से अलाउ नहीं करते, हर किसी के साथ चिट चैट नहीं करते, ओपन अप नहीं होते अपनी लाइफ में, हर किसी को क्लोज नहीं आने देते। तो आपकी आपकी पुरानी जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो चुका है, आपको जितना स्टेबल ग्राउंडेड और बैलेंस होना था वो आप हो चुके हैं, ठीक है। अब रिलैक्स करने का टाइम है, इतना खुद को रिस्ट्रिक्ट मत करें, ठीक है। खुद थोड़ा सा फ्लो, गो विद द फ्लो, ठीक है। तो स्टूडेंट को यहाँ पर अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।